हेलो दोस्तों दोस्तों एक्चुअली में बारिश हो गई है खेत में, और खेत में अभी चल रहा है बिजाई का काम। तो ये ट्रैक्टर है और वो हमारा छोटा ड्राइवर है, मैं भी चला लेता हूँ थोड़ा बहुत, और एक भैया और आए हुए हैं। तो अभी हम इसमें बाजरे का छिड़का लगाने वाले हैं, और इधर सोलर प्लेट लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुएं में से पानी चलता है। मेरे पीछे शायद आपको दिख पा रही होगी, वहाँ पे सोलर प्लेट है और एक छोटा सा मकान बना हुआ है, बोरिंग करवा रखी है, तो उससे सिंपली यहाँ पे पानी चलता है। तो वैसे बरसात से ही होती है यहाँ पे सिंचाई, अगर बरसात वगैरह ना होती है तो फिर बोरिंग चला दी जाती है उन सोलर प्लेट से। तो कल बरसात हुई थी यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो अभी बिजाई करेंगे। मोठ की बिजाई चल रही है, मोठ और क्या है तिल, मोठ और तिल की बिजाई होगी अभी। तो इस प्रकार से छिड़का लगाया जाएगा, मतलब पहले यहाँ पे छिड़क दिया जाएगा पूरे खेत में, उसके बाद ये सिंपली तोई इसमें चलेगी। तो अलग अलग सिस्टम से बिजाई होती है हर जगह, तो ये इसको कहते हैं छिड़का लगाना, छिंटा भी बोलते हैं इसको। तो ये खेत है, आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी सी इसमें, ये देखिए कल की बरसात हो रखी है तो गीला हो रखा है यहाँ पे। ये चलेगी तोई, ये ट्रैक्टर दोस्तों। यहाँ पे है जो बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन नहीं सॉरी बोर है, यहाँ पे इसके अंदर मोटर लगी हुई है 2 HP की, और ये पूरा सेटअप है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कितनी प्लेटें हैं। ये लगभग है 4 और 3 7, 7 प्लेट है, ये 2 की जगह छोड़ी हुई है। अगर इस पे 2 प्लेट और लग जाती है तो ये पूरा जो सेट है 3 HP मोटर चलाने के लायक हो जाएगा। इसमें होता क्या कि ये DC प्लेट्स होती हैं, और यहाँ से सिंपली इसको ऑन किया जाता है, मैं आपको ऑन कर दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो गाइज यहाँ पे नीचे जो चिंटियाँ है काफ़ी घूम रही है, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा इसके पास, बाकी आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से शायद ऑन होती है, ये देखिए इसमें नंबर वगैरह कुछ आ चुके, और अभी ये मोटर अपने आप चल जाएगी। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ बंद, तो ये कुछ इस प्रकार का सेट होता है सोलर सिस्टम। इसका एक बार ही खर्चा लगता है, इसके बाद इसका कोई भी खर्चा नहीं है, 25 साल की वारंटी के साथ ये लगभग आती है। ट्रैक्टर को स्टार्ट किया जा रहा है, एक्चुअली हमें तीनों को ही ज़्यादा नहीं चलाना आता, मतलब खाली ट्रैक्टर चलाना आता है, लेकिन जब ये तोई लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि एक हिसाब से, मतलब ना ज़्यादा लगे ज़मीन में, ना ज़्यादा ऊपर रहने के हिसाब से चलती है। तो प्रोफेशनल ड्राइवर यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस सीख रहे हैं वैसे ही थोड़ा बहुत। तोप लो, इधर जो भाई साहब हैं वो छिड़क रहे हैं, और अभी रोक